राज्य की झामुमो सरकार आदिवासियों की जमीन और राज्य की खनिज संपदा को लूटने का काम कर रही है। ये बातें भाजपा नेता विनोद राय ने चांडिल डैम रोड स्थित बीएन पैलेस मैरिज हॉल सभागार में महिला सम्मान समारोह में कही। विनोद राय ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से झारखंड की महिलाओं को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। राज्य की झामुमो सरकार में महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाएं झारखंड में फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए उत्सुक हैं। राय ने कहा कि स्थानीय झामुमो विधायक महिला होने के बावजूद विधानसभा में महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए कुछ नहीं किया। महिला सम्मान समारोह में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पूरा हॉल महिलाओं से खचाखच भरा रहा। बहुत सारे योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए, आप सबको पता है। सबसे पहले मोदी सरकार के माध्यम से उज्ज्वला योजना चला, उसको माताओं के लिए पिछले साल से हम लोग शुरुआत की, इसमें दूसरी बार जो है कि महिला सम्मान समारोह का कार्यक्रम हुआ। इसमें निश्चित रूप से जो है कि हमारे केंद्र सरकार मोदी जी की जो सरकार है उसके माध्यम से कई योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही है। इसलिए बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो जिनकी योजनाओं की जानकारी लोगों को नहीं है, और हम लोग का यही मकसद है कि महिलाओं को जन जन तक योजनाओं को पहुँचाना मोदी जी का स्कीम चल रहा है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए उस योजना को धरातल तक पहुँचाना, तो महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का अधिकार और उनकी जो चीज़ें हैं जो जागरूकता है।